नमस्कार आपण मानक समस्त को मोर चैनल हेल्दी फूड बाय वंदना को अनेक अनेक स्वागत आपण मान समस्त को नुआ वर्ष रो अनेक अनेक अभिनंदन एही नुआ वर्ष आपण को जीवन को भरी दउ अनेक खुशी और आनंद रे आपण माने समस्ते सुख रे शांति रे और निरोग रे रहंतु एतिकी भगवान के पक्ष रे मोर प्रार्थना। आज आम यह नर्ष उपलक्ष प्रस्तुत करवा बिना अंडा बिना ओवेन रे बेकरी स्टाइल व्हाइट फॉरेस्ट केक् चलत प्रस्तुत करवा। देखो प्रथम आम ये गोटे कप मैदा अधा कप चीनी पाउडर सुगर आउ अधा कप कर्ड दही 1/4 कप चार भाग रु गोटे भाग हूँ तेल यहाँ रिफाइंड ऑयल नहींचे या जगह आपले बटर भी नहीं पारे कि जो तेलटा नहीं रिफाइंड ऑयल कौन से बास्ना ना मैंने सोरीज तेल राशि तेल जो गुड़ाक बास्ना था आम से नवानी जहाँ द्वारा आम केकटार से बास्ना ही आसी सब चेस्टा करें रिफाइंड ऑयल सनफ्लावर ऑयल को नापी बटर नहीं पारती हाफ हाफ बटर ऑयल को मिसेकि भी नहीं पारती। ठीक अच्छे ये नहीं गोटे कप क्षीर ये नहीं दुई बड़ टेबुल चामच मिल्क पाउडर 1 teaspoon नहीं बेकिंग पाउडर आउ 1/2 teaspoon हूँ बेकिंग सोडा। ठीक अच्छे बर्तमान आम आम तेल दही आउ पाउडर सुगर आपको नहींक गोटे बाटर टे प्रस्तुत करवा पूरा लम्ब फ्रे बाटर आम प्रस्तुत करवा चलन तो प्रथम आम आम बाटर टी प्रस्तुत करना। ये प्रथम पकईली मु ऑयल को तेरे मुझे ऐड कली ये जो दही नहीं से दही को तापर ये ऐड कली मुझे पाउडर सुगर नहीं गुंड चीनी को ऐड कली एवं सब तक को भल भाव मिसेदेव। देखते बहुत भल भाव पांच रु छ मिनट भल भाव फेटी नवा क्षीर जो भी नहींचे अधा कप क्षीर आम एड कर पचे देखिक एड करवा। अच्छा ये जिनस गुड़क आम नहीं सब गुड़ी रूम टेम्परेचर थी दरकार अच्छे थंडा नहीं बा गरम नहीं देखो आम गोटे छाणी टे रखिकी एड करवा आम जो नहीं 1 cup मैदा एड करवा जो मिल्क पाउडर नहीं 2 tablespoons मिल्क पाउडर बेकिंग पाउडर 1 teaspoon आउ बेकिंग सोडा जो नहींचे 1/2 teaspoon ये सब गुड़िक आम भल भाव छाणी की आ सांगे आड करदे जिते बड़े भी मैदा आम केक व्यवहार कर सब छाणी की आड करवा दरकार। ठीक अच्छे आपको आम भल भाव छाण नमा ए देखो आम सब को मिसई नवा आम जो क्षीर बाकी क्षीर आम रखी से क्षीर को भी क्या आड करदे देखिक आड करवा बेस दवा दरकार नहीं देखो आहरी क्षीर लगे पूरा पूरी बहलिया अच्छे आउ टे क्षीर आम पकेबा। देखो मोर बैटर प्रस्तुत हो गला ये देखो बैटर कनसीस्टे एमती रही है तरह रिबन कनसीस्टेन्सी बिल्कुल मानने ये हो ना देखते ये रेम एड करवा गोटे टी स्पून भानिला एसेन्स देखो गोटे टी स्पून भानिला एसेन्स ये आड करदे आपको भल भाव मिसे ना ये आगे प्रस्तुत कर रखी आमर टीन आम आम बैटर को देदेव देखो आम कड़े ताती गला आज किसी लुण फुण देनी प्लेन टे हिं बस कड़े ताती गला देखो एवं आम केयरफुल आम आम केक् टीन को ये बसई नवा तापर आम आपको घोड़े देकर 40 minutes पर्यंत आम हवाक दवा 40 minutes पर देखा केमती है। ठीक अच्छे पूरा फ्लेम को लो करदे आम यू मीडियम फ्लेम 10 minutes पर्यंत गरम करके रखी थे। ठीक अच्छे एबे ताको एकदम फ्लेम फ्लेम लो कर दबा स्लो आंचरे ताको दबा हमें 40 minutes पर्यंत हाबापाई आको अबे हमें घोड़े नबा एबे देखंतो 40 minutes पर हे जाईची एबे हमरो देखिबा हमें केक देखंतो सुंदर भाबरे हे जाईची एबे हमें छुरी मार के देखिबा एडा छुरी हे जाईची पर होई देखंतो पूरा क्लीन आसीला हे जाईची एबे हमें गैस बंद करके आको ठंडा हाबापाई छाड़ दबा एबे देखंतो हमर केक के ठंडा हे जाईची एबे हमें आको डिमोल्ड कर दम केक टी पूरा हो जाए संपूर्ण ठंडा हाबापी आम छाड़ीदे देखो आम केक ठंडा हो गला देखो प्रथम आम तार ऊपर पोर्शन काटिक लेबलिंग करदे आम नेक्स्ट एम आपको तीन टा ईर काटिद तीन भाग कर देखो कते भल भाव केक् बेक गोटे लेयर मुझे आ गोटे पीस भी काटिदेली तीन भाग करें देखो प्रथम आम एना को आम ह्विपक्रीम टे लगेद सो दैट कि आम केक् खसवनि तापर आम आम प्रथम लेयर टी भाव रखीद आम आम केक् सुगर सिरप आम करे सुगर सिरप्रे
ब्रश करदेव सुगार मुझे दुई टेबुल चामच पाउडर सुगार को पानी रे मिसाई पानी मिसे सुगार सिरप टे प्रस्तुत करनी आगे आम मस्ट कर ना ये देखो मुझे क्रीम को हेवी क्रीम को हिट कर रखी आपको आम अबिका एवेलेबल देद चारिड़े भाई स्प्रेड कर ना आपण इच्छा अनुसार मोटा पतला करते ठीक अच्छे। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଭଳି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ମାନେ ପକେଇଦେବା ଏଠି ଚେରି କିଛିଟା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଉପରେ ଲେୟର୍ଟା ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମଝିରେ ଦେବା ଏବେ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଗର ସିରପ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱିପିଂ କ୍ରିମ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଚେରି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ୟାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମଝିର ଲେୟର୍ଟି ରଖିଛେ ଆମେ ୟାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା ୟାକୁ ବି ଏଭଳି ସୁଗର ସିରପ୍ ଦେଇକରି ଆମେ ମଷ୍ଟ କରି ନେବା ଏବେ ଏଇ ଲେୟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଲେୟର୍ରେ ଆମେ ଅଧିକା କରି କ୍ରିମ୍ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ଆମେ ଏଇଟା ପୁରା ପୁରା କଭର୍ କରିବା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଅଧିକା କ୍ରିମ୍ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଆମର କେକ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଭର୍ କରିନେବା ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେକ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେବଲିଂ କରିନେବା ଏବେ ଆମେ ଆମର ଏଠି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ଟିଏ ରଖିଛେ ତାକୁ ଏ ମଝିରେ ଦେଇଦେବା ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଦେବା ଚିରି ଦେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେମିତିଆ ଚାହିଁବେ ସେମିତିଆ ସଜାଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଜାଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସଜାଇବେ ଦେଖିଲେ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ କେକ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ତ ବିନା ଅଣ୍ଡା ବିନା ଓଭେନ୍ରେ ଆମେ କେତେ ସହଜରେ ସୁବିଧାରେ କେକ୍ଟିକୁ ବନେଇ ନେଲେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏତେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ଏହାପରେ ବିନା କ୍ରିମ୍ରେ ବି କେକ୍ କିପରି ଡେକୋରେଟ୍ କରିବେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ବି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆସିବି ନମସ୍କାର।